तो बेटा आज दिखाते हैं तुम लोगों ने 10th क्लास में परिणालिका पढ़ा था, 10वीं में अपनी परिणालिका है। परिणालिका क्या करती है, तुम पर कितना पढ़ाती है, तो अपने थ्योरी में पढ़ा कि एक खोखले पाइप के ऊपर तांबे का तार लपेट लो और उसमें धारा प्रवाहित करो तो उसमें क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो आज वैसी ही परिणालिका अपन ने बेटा अपने लैब में भी बना दी, छोटी सी बनाई है पर देखेंगे उसका क्या प्रभाव होता है, तुम्हें फील करवाएंगे बेटा। तो देखो ये अपन ने क्या किया, एक छोटे से पाइप के ऊपर, प्लास्टिक के पाइप के ऊपर अपने क्या किया, तांबे का तार लपेट लिया। ये अपने लैब वाला जो है तार यही लपेट लिया अपने, कॉइल बना दी, छोटी सी कॉइल बनाई है, ठीक है। और इसमें मैं डीसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा। सर कैसे करोगे, ये अपने पास है ना, ये क्या है, बैटरी एलिमिनेटर, तो इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई। अब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें इफेक्ट होगा का नहीं होगा उसको चेक कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा क्या तुम्हें, नहीं दिखेगा। तो ऐसे करो, अभी इसमें देखो कि इसके अंदर जब तुम लोग ये डालते हो, ये इसमें कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, देखो हाथ में लेके देख, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे अपन, धारा प्रवाहित कराएंगे। ये मैंने प्लग पे जोड़ दिया इसको, अपन करते हैं करंट ऑन। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड बन गया, कैसा दिख ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गया, तो आप ऐसे कर सकते हो, अब इसको अंदर ले जाओ, ये मैग्नेट है, अगर अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बना है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब क्या था और अब क्या, तुम हाथ लगा के देखोगे। अब देखो इसको इतना ऊपर रखते ही बेटा यहां पर इसमें वाइब्रेशन शुरू हो रहे हैं। अब इसमें धारा नहीं है तो मैंने इसको माइक को इसके पास रखा, जस्ट इसके पास रखा है, ठीक है। कोई आवाज आ रही है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑन करो, अब मैंने इसके पास, अब इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तुम हाथ लगा के देखो और ले जाओ इसके पास में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर लगा के देखो क्या हो रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लगा, हाथ में महसूस हो रहा है, चलो इसको भी लगा, लगा हो रहा है, क्या हो रहा है, बल जादू कब लगना शुरू होता है, ऊपर से लेके आ, तो फील कब होता है, नजदीक जाता है तब, यहाँ यहाँ फील हो रहा है सर। अभी देख धारा जीरो कर रहा हूँ मैं, करंट जीरो कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है। तो बेटा ये वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन होने का मतलब है कि इसके अंदर फील्ड बना हुआ है, कौन सा फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के क्षेत्र बना हुआ है, ये खुद चुंबक है, ये भी चुंबक के क्षेत्र, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। अभी इसको और देखें, तो कैमरामैन देखो अभी अपन ने क्या कर रखा है, ये नॉर्मल से सोलेनोइड बना रखी है, इसके अंदर देखो ये रख रखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी पोजीशन पे। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ऑन करते ही बेटा इसमें करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसके अंदर जो मैग्नेट पड़ी है बेटा इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होगा, इसमें मूवमेंट होगा। ये देखो फोर्स का इफेक्ट देखा आपने, ये जैसे ही फोर्स लगता है तो ये अपने हल्का सा मूवमेंट शो करता है, ये तो ये इस बात को बता रहा है कि अंदर क्या फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्लियर।